नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे खास निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वक्त आप अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ये जो बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर पर, ये जैसे वीडियो चल रहा है, तो इसके नीचे ये सब्सक्राइब का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक कर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपने SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन और दुर्घटना बीमा का प्रपोजल भर दिया होगा। अब दोस्तों ये दोनों भरने के बाद बहुत सारे हमारे टीचर्स परेशान हैं इस बात को लेके कि इसका प्रिंट नहीं निकल रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका प्रिंट निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो आप हर बार की तरह लॉगिन कर लीजिए। SIPF पर चले जाइए। फर्स्ट डिक्लेरेशन भरने के लिए आपको SI में जाना है और यहाँ से ट्रांजेक्शन में ये फर्स्ट डिक्लेरेशन है, इसको क्लिक कर देखिए ये फर्स्ट डिक्लेरेशन है, तो यहाँ से इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना है और इसको फिर सबमिट कर देना है। और GPF प्रपोजल के लिए आपको यहाँ पर जाना है, ट्रांजेक्शन में जाना है, GPF प्रपोजल, ये दोनों आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर नॉमिनी डिटेल आ रही है, तो यहाँ पर GPA पर टिक करना है, कितना शेयर आप उसको देना चाहते हैं वो लिखना है और यहाँ पर सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसका प्रिंट लेना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये होम बटन पर आप क्लिक करो, यहाँ पर पेंडिंग टास्क, ये जो पेंडिंग टास्क लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करो। अब दोस्तों मेरे क्या है कि नॉमिनी की डिटेल मेरी बाकी है, DDO से भरवाना बाकी है, तो एक दो दिन में मैं करवा लूँगा उसको। तो यहाँ पर जैसे ही आप वो दोनों सबमिट कर लेते हो, क्योंकि मैंने SI का और GPA प्रपोजल को मैंने अभी सबमिट किया नहीं है, तो यहाँ पर मेरा पेंडिंग टास्क दिखा नहीं रहा है। अगर आपने GPA प्रपोजल और SI की फर्स्ट डिक्लेरेशन सबमिट कर लिया है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा SI और यहाँ पे बताएगा DDO पेंडिंग, और यहाँ पे आएगा GPA प्रपोजल, यहाँ पे आएगा DDO पेंडिंग। तो जब आप इसको सबमिट करते हो तो इसके लगभग एक या दो दिन बाद DDO इसको जब अप्रूव कर लेते हैं तो यहाँ पर ये अप्रूव हो जाएगा, आप उसको क्लिक करना। क्लिक करने पर वो का वो फॉर्मेट वापस खुलेगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसा फॉर्मेट खुलेगा। ये का ये फॉर्मेट दोस्तों वापस खुलने वाला है, और इस फॉर्मेट के यहाँ पर प्रिंट लिखा होगा, प्रिंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, ये जो जगह आप देख रहे हैं इस जगह पर प्रिंट लिखा होगा। दोनों में सेम रहेगा, SI में भी सेम रहेगा और ये GPA में भी सेम रहेगा। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन जब आ जाता है तो आप उसको प्रिंट पे क्लिक करिए और आसानी से आपकी प्रिंट निकल जाएगी। दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि जब आप सबमिट करते हो तो सबमिट करने के तुरंत बाद ये प्रिंट नहीं निकलेगी, क्योंकि जैसे ही आपने सबमिट किया तो वो DDO के पास चला जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए, और जब तक DDO उसके ऊपर आगे की प्रोसेस नहीं करते हैं तब तक आपके पास यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप एक दो दिन वेट कर लेना सबमिट करने के बाद, फिर वापस जब रीओपन करोगे तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपनी प्रिंट निकाल देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज मैं बनाता रहूँगा। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट करें, मैं हो सकता है तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत आभार।